नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा योग अभ्यास होगा पीसीओडी, पीसीओएस और टाइप 2 डायबिटीज के लिए। इसके लिए हम सबसे पहला योगा अभ्यास करेंगे बद्धकोण आसन, जिसे बटरफ्लाई पोज भी कहते हैं। इसके लिए आप अपने दोनों पैरों को अपने इंग्वाइनल रीजन की तरफ ले आएं, जितना आप कंफर्टेबल हों। अपनी दोनों एड़ियों को और पैरों के पंजों को आपस में जोड़ दें। दोनों हाथों से पैरों के पंजों को अच्छे से पकड़ के आप ये आसन करें। इस आसन को 1 से 5 मिनट तक करना है। ये आसन आपके मेंस्ट्रुअल कंप्लेंट को, डाइजेस्टिव कंप्लेंट को ठीक करता है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है, आपकी ओवरीज की हेल्थ को सही बनाता है और आपको पीसीओडी में हेल्प करता है। यह आसन आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स को मसाज करता है, जिसमें पेनक्रियास, प्रोस्टेट ग्लैंड, किडनी और ब्लैडर हैं, जिसको सही करके ये आपके टाइप 2 डायबिटीज़ में भी हेल्प करता है, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में भी हेल्प करता है। ये था बटरफ्लाई पोज। इसके बाद हम करेंगे दूसरा आसन। इसके लिए आप अपनी राइट लेग को फोल्ड ही रहने दें, एड़ी को ग्रॉइन रीजन की तरफ रखें और लेफ्ट लेग को स्ट्रेट खोल दें। दोनों हाथों को लॉक करें। अब हम जिस तरह चक्की चलाते हैं, उस तरह से इस आसन को करेंगे। दोनों हाथों को लॉक ही रहने देना है और पहले क्लॉकवाइज इस आसन को करना है, फिर एंटी क्लॉकवाइज। मैंने यहाँ सिर्फ क्लॉकवाइज ही दिखाया है। तो आपने जब आसन को बाहर की तरफ लाते हैं तो एक्सहेल करना है, और जब आप सीधा अंदर की तरफ और स्ट्रेट बैक में आते हैं तो इनहेल करना है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इसी तरह इस आसन को दूसरी लेग के साथ दोहराएं। अब लेफ्ट लेग को फोल्ड करके अपने ग्रॉइन रीजन की तरफ रखें, राइट लेग को खोल दें और दोनों हाथों को लॉक कर दें। फिर से इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। दोनों हाथों से एक बड़ा सर्कल बनाना है। ये आसन भी आपकी ओवरीज की हेल्थ को सही करता है। अब हम तीसरा योग अभ्यास करेंगे। नेक्स्ट आसना है सलभ आसना, जिसे लोकस्ट पोज भी कहते हैं। इसके लिए कुछ पेट के बल इस तरह लेट जाएं, अपनी चिन को ग्राउंड के साथ लगाएं, अपनी दोनों हाथों को इस तरह ग्रॉइन रीजन में रखें और अपनी दोनों लेग्स को धीरे धीरे ऊपर उठाएं और पॉस्चर को मेंटेन करें। ये आसन प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के लिए बहुत ही अच्छा आसन है, मेंस्ट्रुअल डिप्रेशन, एंजाइटी के लिए। यह आपके हार्मोन्स को स्टेबलाइज करता है, आपके इंटरनल ऑर्गन्स को मसाज करता है और आपको टाइप 2 डायबिटीज़ में भी हेल्प करता है। इस आसन को आप 4 to 5 times रिपीट कर सकते हैं और होल्ड करने का टाइम है, आप 10 seconds तक इसको होल्ड कर सकते हैं या फिर 20 seconds तक। जितना भी आप कंफर्टेबल हो उतना ही आप करें। यह आपके पेनक्रियाटिक सेल्स को भी रेजुविनेट करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को एनहांस करता है और आपके लीवर में ग्लूकोज इंटेक को सही करता है, जिससे आपको टाइप 2 डायबिटीज़ मेंटेन करने में, ठीक करने में हेल्प मिलती है। इस आसन का नाम है शलभ आसना। अब आप थोड़ी देर मकर आसन में विश्राम कर सकते हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग करें। अगला आसन है सुप्त बद्धकोण आसना, जिसे हम रिक्लाइन बटरफ्लाई पोज भी कहते हैं। इसके लिए आप इस तरह के कुशन ले सकते हैं। पहले वाला कुशन एक ही रखें, दूसरे में आप दो कुशन रखेंगे। जो सिंगल कुशन है उस पे आपने अपना वर्टेक्स, सिर का टॉप पोर्शन को होल्ड करना है और नीचे वाले दो कुशन्स को अपने अपने बैक के पीछे रखना है और नीचे से लेग को फोल्ड करते हुए अपने दोनों हाथों को, अपना लेफ्ट हैंड आपके हार्ट रीजन पे रहेगा और राइट हैंड आपके नाभि के ऊपर, इस तरह से इस पॉस्चर को होल्ड करें। ब्रीदिंग नॉर्मल।
यह आसन आपकी एंजाइटी डिप्रेशन को दूर करने में हेल्प करता है, आपकी ओवरीज को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। इस तरह से ये पीसीओडी, पीसीओएस और इनफर्टिलिटी में काम करता है। यह आपके मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स को भी ठीक करने में हेल्प करता है। यह है रिक्लाइन बटरफ्लाई पोज। नेक्स्ट पोस्चर है, नेक्स्ट आसना है प्रसरिता पदोत्तनासना। इसके लिए आप अपनी लेग्स को इस तरह वाइड अपार्ट करके खड़े हो जाएं और धीरे धीरे फॉरवर्ड फॉल करें। अब अपने दोनों हाथों से अपने पैर के अंगूठों को होल्ड करें और नीचे की तरफ झुकें। अगर आप ये आसन अंगूठों तक नहीं कर पाते, अपने अंगूठों को होल्ड नहीं कर पाते हैं, तो आप अपने नी तक भी अपने हाथों को ला सकते हैं। धीरे धीरे ऊपर की तरफ आएं, इनहेल करें और ये आसन को कंप्लीट करें। नेक्स्ट आसन, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। पॉस्चर को होल्ड करें, अपनी बैक लाइन को स्ट्रेट रखें। आप इस पॉस्चर में पैडलिंग भी कर सकते हैं। ब्रीदिंग नॉर्मल। होल्ड द पॉस्चर फॉर 10 सेकेंड्स। अब अपने राइट फुट को अपनी दोनों आर्म्स के बीच में लाएं। एक अच्छा होल्ड बनाते हुए ऊपर की तरफ उठें और अपनी राइट लेग को स्ट्रेट करें। आप अपने दोनों हाथों को अपने शिन बोन पे या अपनी लोअर लेग पे रख सकते हैं। अब अपनी राइट लेग को फोल्ड करें और राइट हैंड को लेग पे रख के लेफ्ट हैंड को अपवर्ड स्ट्रेच करें, देन फॉरवर्ड स्ट्रेच करें। आपकी लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग एक ही लाइन में होने चाहिए। अब अपनी दोनों हाथों को अपनी कमर पे रखें, अपवर्ड स्ट्रेच करें आर्म्स को और फॉरवर्ड नमस्कारम। आपका ये पोस्चर भी, आपकी आर्म्स, आपकी बैक और आपकी लेग, स्ट्रेट लेग एक ही लाइन में होने चाहिए। पोस्चर को कुछ देर होल्ड करें, देन रिवाइंड बैक। इसी पोस्चर को हम, इसी आसना को हम दूसरी लेग के साथ रिपीट करेंगे। नाउ लेफ्ट लेग आगे, अच्छी ग्रिप बनाते हुए अपनी बॉडी को उठाएं और अपनी लेफ्ट लेग को स्ट्रेट करें। अब अपनी लेफ्ट लेग को फोल्ड करें और अपने हाथों को ऊपर उठाएं। लेफ्ट हैंड आपके लेफ्ट थाई के ऊपर और राइट हैंड स्ट्रेच आउट। पोस्चर मेंटेन करें। अब दोनों हाथों से नमस्कारम पोज बनाते हुए दोनों हाथों को कमर पे रखें। अब नमस्कारम पोज बनाते हुए एक ही लाइन में टिल्ट फॉरवर्ड करें। आपकी आर्म्स, आपकी बैक और आपकी राइट लेग एक ही लाइन में होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन। पोस्चर को होल्ड करें फॉर 10 सेकेंड्स। नाउ रिवाइंड बैक, स्टार्ट पेडलिंग माउंटेन पोज। अब धीरे धीरे आगे की तरफ आए, ब्रीद इन एंड सीधे खड़े होके नमस्कारम। अब सामने की तरफ खड़े हो जाएं, दोनों लेग्स को वाइड अपार्ट स्ट्रेच करें। ये भी एक वेरिएशन है प्रसरिता पदोत्तना आसना की। इस तरह से अपनी लेग्स को वाइड अपार्ट स्ट्रेच करें, अपनी आर्म्स को ऊपर उठाएं और धीरे 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 फॉरवर्ड फॉल करें, कुछ इस तरह। दोनों हाथों को ग्राउंड से टच करें। होल्ड द पोजीशन
दोनों हाथों को लॉक करें। अब हम एक बड़ा सर्कल बनाएंगे, इसके लिए आप अपने दोनों हाथों को लॉक रखें। पहले लेफ्ट लेग की तरफ, देन अपवर्ड, देन राइट लेग की तरफ, कुछ इस तरह से सर्कल बनाएं। जब आप ऊपर की तरफ उठते हैं तो इनहेल करना है और डाउनवर्ड एक्सहेल करना है। सांस को अंदर लेंगे जब आप सीधा खड़ा होंगे, और जब आप झुकेंगे तो सांस को बाहर निकालना है। आपकी दोनों आर्म्स आपके कानों को टच करेंगी, और इस तरह से आपने पहले क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज सर्कल लेना है। ये आसना, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ये आपकी बैक पेन को भी रिड्यूस करता है, टाइप 2 डायबिटीज़ को भी हेल्प करता है, क्योंकि ये पेनक्रियाटिक सेल को रेजुविनेट करता है, स्टिमुलेट करता है, जिससे आपकी ग्लूकोज इनटेक आपके सेल्स में अच्छा हो जाता है, और आपको जो शुगर है, जो आपको शुगर है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। धीरे धीरे ऊपर की तरफ आएं, इनहेल करें, सांस को अंदर लें और सीधे खड़े हो जाएं, हाथ कमर पे। अब आपने दोबारा फॉरवर्ड फॉल करना है। अब आप यही आसना एक दूसरी वेरिएशन के साथ करेंगे। अब आपने दोनों हाथों को, अपने अंगूठों को होल्ड करना है दोनों हाथों से। अब आपने दोनों हाथों को अपने कमर पे रखना है। सीधे खड़े हो जाएं, इनहेल करें, पहले लेफ्ट साइड देन राइट साइड, इस तरह से आपने सर्कल बनाना है। फिर अपोजिट डायरेक्शन में सेम आसना को रिपीट करें। अब हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। इसके लिए आप नीचे पालथी मार के बैठ जाएं, दोनों हाथों को घुटनों पर रखें, इसके लिए दोनों हाथों को घुटनों पर रखें और आराम से ब्रीद इन करना है और फोर्सफुली ब्रीद आउट करना है। स्टार्ट करते हैं कपालभाति प्राणायाम। इस तरह आप इस प्राणायाम को करेंगे। आप इस प्राणायाम को 5 मिनट या फिर 15 मिनट तक कर सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए। आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। इस इन्फॉर्मेशन को आगे ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, हेल्दी रहें। धन्यवाद।